स्टार्ट। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हम लोग बात किए थे प्रीवियस डे फैक्टराइजेशन एंड द गिवन एक्सप्रेशन ऑन डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स। इससे रिलेटेड मैंने कहा था कि एक्सरसाइज 7B सॉल्व करेंगे, तो उससे रिलेटेड आप लोगों ने दो प्रॉब्लम रखा मेरे आगे, एक क्वेश्चन नंबर 18 और एक क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। एल प्लस एम का होल स्क्वायर टेकन एट ए और एल माइनस एम का होल एल माइनस एम टेकन एट बी, तो दिस रिप्रेजेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर हम उसी फॉर्म में लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यू राइट एज ए प्लस बी ए प्लस बी, बी क्या हो गया हमारा एल माइनस एम और ए माइनस बी एल प्लस एम माइनस एल माइनस एम। तो आप लिख सकते हो एल प्लस एम प्लस इन टू किए प्लस एल माइनस एम और यह हमारा आ गया एल प्लस एम माइनस एल माइनस माइनस प्लस एल और एल यहां कैंसिल हो गए, यहां एम और एम कैंसिल हो गए प्लस माइनस, तब हमारा क्या बच गया 2L इंटू 2M और 2 जा 4। यू राइट एट यस 4LM। क्लियर। अनदर क्वेश्चन इज 24। क्वेश्चन 24 25 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर प्लस 28 बी सी माइनस 4 49 सी स्क्वायर। अब यहां पर देखा जाए तो ए स्क्वायर वाला टर्म एक बिल्कुल अलग है, जबकि 28 बी सी बी और सी के बीच में एक रिलेशन बनाता है, कोई डाउट? तो 25 ए स्क्वायर को हमने अलग किया और इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हम इसको लिख सकते हैं 4 बी स्क्वायर माइनस 28 बी सी, इसका साइन चेंज कर गया क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, माइनस माइनस प्लस प्लस 49 सी स्क्वायर। अब आप लिख सकते हो 25 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर, किसका होल स्क्वायर है, हाँ 2 बी का होल स्क्वायर, 49 सी स्क्वायर किसका होल स्क्वायर है, यस 7 सी का होल स्क्वायर। और यहां पर अगर हम 2 ए ए बी लिख दे, यानी कि 2 इंटू 2 बी इंटू 7 सी मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 28 बी सी। तो ए अब आप लिख सकते हैं 25 ए स्क्वायर को 5 ए का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी, तो यानी आप लिख सकते हैं 2 बी माइनस 7 सी का होल स्क्वायर। अब हम इस पूरे टर्म को a माने और इस पूरे टर्म को b माने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नाउ यू राइट एज a प्लस b 5a प्लस 2b माइनस 7c और a माइनस b, तो माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a माइनस 2b प्लस 7c, इस तरह से आपका प्रॉब्लम समाप्त। आज हम डिस्कस करेंगे
factorization when the given expression is a perfect square. How we make a perfect square when an expression is given? जब हमको कोई एक्सप्रेशन दिया गया हो तो उसको हम लोग कैसे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखें क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 यू राइट एज x square is a square of x. You write a square and 25 is the square of 5. A square plus b square. और यहाँ plus लगा है, you write as 2ab. A के जगह पर क्या है x, b के जगह पर क्या है 5 to जार 10x. तो a square plus 2ab plus b square. ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर। अनदर एग्जाम्पल देखे हम, अनदर एग्जाम्पल इज एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100 यू राइट एज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर एंड 100 इज द स्क्वायर ऑफ नंबर 10 का होल स्क्वायर। अब इसको ए ले, इसको बी ले, यहां माइनस लगा है, हम यहां लिख सकते हैं माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 10 कितना आया 20x। तो 20x रिप्रेजेंट 2a माइनस 2ab एंड a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर, जहां a की जगह पर क्या है x है, b की जगह पर क्या है 10 है, तो x माइनस 10 का होल स्क्वायर। अब अनदर एग्जांपल देखे, जैसे हमारा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy। अब यहां देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर रिप्रेजेंट 2x का होल स्क्वायर और 9y स्क्वायर रिप्रेजेंट यस 3y का होल स्क्वायर। अब प्लस अब ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, तो हम क्या यूज करेंगे, प्लस है यहां प्लस 2ab, 2 इंटू 2x इंटू 3y, तो 2ab। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो यह इसके इक्वल है या नहीं, हाँ है, 2 × 4 = 12xy। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। अनदर एग्जांपल देखे, ए टू द पावर 4 प्लस 25 बी टू द पावर 4 माइनस 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। What is a to the power 4? We know that a to the power 4 is equal to a square ka whole square. Why? Because x to the power m to the power n, x to the power m into n. So 2 ja kitna ho gaya? 4. A to the power 4. Now 25 b to the power 4 ko hum likh sakte hain 5 b square ka whole square. क्या हो गया 5 × 25 और 2 × 4 बी टू दी पावर 4 और माइनस 2ab के फॉर्म में अगर इसको लिखे तो 2 × a² × 5b²
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जहां ए क्या है, ए स्क्वायर है, बी क्या है, और बी स्क्वायर है। यू राइट एज ए स्क्वायर माइनस बाय बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि एक्सप्रेशन इज ए परफेक्ट स्क्वायर का फैक्टराइजेशन डील करते हैं। एनी रिलेटेड प्रॉब्लम टू इट? यस, लास्ट क्वेश्चन, बट यस का होल स्क्वायर, लेकिन यहां हमें क्या करना होगा, करके दिखाना होगा। हाउ कैन वी गेट दिस रिजल्ट? तो यहां करके दिखाना होगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू एल एम माइनस फोर एल एम। यू राइट एट एल का होल स्क्वायर प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू एल इंटू एम। तो यू राइट एट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू एम। वाई? तो टू एल एम में से फोर एल एम माइनस किया, हमें क्या बचा, माइनस टू एल एम। और टू एल एम किसको रिप्रेजेंट करता है, माइनस टू ए बी को। यू राइट एट एल माइनस एम का होल स्क्वायर। एल माइनस एम का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर पे भी छोड़ सकते हैं और डबल फैक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं, एल माइनस एम इंटू एल माइनस एम, इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बनाएंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दी एक्सप्रेशन इज ए परफेक्ट स्क्वायर, देन यू आस्क इन नेक्स्ट क्लास, और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।